बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार सरकार की कोशिशों पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बिहार के अरवल जिले के स्वास्थ्य विभाग की एक लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन दी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस नाम के कई और लोग हैं जिन्हें वैक्सीन दी गई और ये महज इत्तेफाक था? अगर नहीं तो वाकई ये बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, ये विषय स्वास्थ्य विभाग के ही ध्यान में आया और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया, तुरंत वहाँ के हमारे चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको सेवा से बाहर किया गया, उस पर दंडात्मक कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की गई है। आगे भी जिस कार्रवाई की जरूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैंने अरवल जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से बातचीत करके अरवल के अंदर जो अन्य अस्पताल हैं जहाँ ये डाटा एंट्री का काम होता है उन सभी का भी जांच करने के लिए कहा है, ताकि कहीं और तो गलती नहीं हुई है। ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मामला सामने आने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। अब डीएम खुद कबूल कर रही है कि बड़ी लापरवाही हुई है। मॉर्निंग से जो वीडियो चल रहा है वो मैं भी देखा, और जो करपी में घटना हुआ ये पूरे सूची भी मैंने देखा, और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे और इसमें FIR दर्ज होगा। ये मामला बहुत सीरियस है। ऐसे हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने में, और उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली। और सारे लोग वहाँ जो भी काम कर रहे हैं, MOIC है, BHM है, सभी पे हम लोग जांच करेंगे कहाँ पे ये ऐसे काम हुआ, जहाँ नॉट ओनली इन करपी, रिमेनिंग सारे PNC, APNC सभी जगह में हम लोग जांच दल गठित करके पूरे जांच करेंगे और डेफिनेटली FIR होगा। आगे ऐसे घटना नहीं होना है, और उसके लिए एक ये जो हम लोग स्टैंडर्ड भी सेट करेंगे, तो इस पे डेफिनेटली सीरियस एक्शन हम लोग लेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ तेजी से RT-PCR टेस्ट और कोरोना की वैक्सीन लगाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के अरवल जिले में फर्जीवाड़े ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा। फिलहाल वैक्सीनेशन के इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इससे पहले शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर थी।